Very good morning, my dear students. So students, today I am going to explain and read chapter number 9. That is, do not pluck the flowers. Students, pluck मतलब क्या होता है? तोड़ना मतलब, और flowers मतलब फूल. इसका मतलब ये है, do not pluck the flowers मतलब कि जो flowers है तुम मत तोड़ो. ओके आप बताइए, आपको कौन सा फ्लावर पसंद है? आपको पसंद है कोई फ्लावर? यस, रोज पसंद है आपको? ओहो, सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक लोटस. यस, सो स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द पिक्चर्स. अब स्टूडेंट्स इन पिक्चर्स को देखिए, कौन सी पिक्चर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी लग रही हो, कौन सी ऐसी है जो आपको नहीं अच्छी लग रही है? देखिए यहाँ पर जो फ्लावर है वो स्माइल कर रहा है क्योंकि वो अपने प्लांट के साथ अटैच है. तो ये वाली आपको अच्छी लग रही है? यस, तो आप इस पर टिक कर दीजिए. और क्या आपको ये वाली पिक्चर अच्छी लग रही है जिसमें फ्लावर सैड है, रो रहा है, क्राई कर रहा है क्योंकि वो अपने प्लांट के साथ नहीं है? हाँ, ये वाली आपको अच्छी लग रही है क्या? नो, तो इस पर क्रॉस कर दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम हमारा चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 9. मिनी इज अ स्मॉल गर्ल. मिनी कौन है बच्चों? एक स्मॉल गर्ल है, छोटी लड़की है. शी इज वाटरिंग द प्लांट्स इन अ गार्डन. जो मिनी है वो क्या करती है, जो प्लांट्स है उनको क्या करने का काम करती है? वाटरिंग का, ठीक है, पानी देने का काम करती है गार्डन में. वो क्या कर रही है? प्लांट्स को वाटर दे रही है. देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. यस, बिली कम्स बाय, ही इज अ नॉटी बॉय. और जिस गार्डन में बिली पानी दे रही है प्लांट्स को, वहाँ पर कौन आता है? बिली आता है. बिली कौन है बच्चों? एक नॉटी बॉय है. ही ट्राइज टू प्लक अ फ्लावर. वो क्या ट्राई करता है? एक फ्लावर को तोड़ने का. आप देख रहे हैं पिक्चर में? यस. नो, प्लीज डोंट प्लक द फ्लावर, यल्ड मिनी. मिनी चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, प्लीज़ तुम इस फ्लावर को मत प्लक करो, मत तोड़ो. बिली स्टॉप्स, बिली रुक जाता है और कहता है, व्हाई, आई लव फ्लावर्स, आई वॉन्ट टू प्ले विथ दैम, सैड बिली. बिली कहता है कि मैं क्यों फ्लावर को नहीं तोड़ूं, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है और मैं फ्लावर के साथ खेलता हूँ और मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, ऐसा बिली बोलता है. देन बिली, इवन आई लव फ्लावर्स बट आई डोंट प्लक देम, सैड मिनी. मिनी कहती है बिली को कि बिली, मुझे भी फ्लावर्स बहुत पसंद है पर मैं उनको प्लग कभी नहीं करती. सडनली मिनी पिंचेस बिली. और सडनली क्या करती है मिनी? बिली को पिंच करती है, ठीक है. पिंच मतलब चुंटी खोलना है ना बच्चों. पेज नंबर 51. आह, व्हाट आर यू डूइंग, क्राइड बिली इन पेन. बिली, उसको पेन हुआ, दर्द हुआ, तो बिली दर्द में कहता है, आउच, तुम ये क्या कर रही हो, यू आर हर्टिंग मी, ही एडिट. और वो कहता है कि तुम मुझे हर्ट कर रही हो, चोट पहुंचा रही हो. सेम वे इवन दैट फ्लावर गेट्स हर्ट वैन यू प्लक इट, सैड मिनी. मिनी कहती है कि ठीक उसी तरह जैसे तुम फ्लावर्स को पिक कर रहे थे तो तुम उन्हें हर्ट कर रहे थे, उन्हें चोट पर पहुँचा रहे थे. द प्लांट्स टू आर लिविंग थिंग्स. जो प्लांट्स है वो भी तो एक लिविंग थिंग है. दे ईट, वो खाना खाते हैं. दे ब्रीथ, वो सांस लेते हैं. दे ड्रिंक, वो पानी पीते हैं, ड्रिंक वाटर. एंड दे ग्रो टॉल लाइक अस, और वो हमारी ही तरह बड़े भी तो होते हैं, ऐसा कौन कहती है? मिली कहती है, मिनी कहती है बिली से. ओ, आई नेवर थॉट सो, बिली सेड स्क्रैचिंग हिज हेड. जो बिली रहता है वो अपने सिर को खुजालते हुए कहता है कि अच्छा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था. मिनी रब्स बिलीज हैंड. और जो जहाँ पर
मिनी ने बिली को पिंच किया था। मिनी ने जहाँ पर पिंच किया था ना बिली को, वो वहाँ पर अपने हैंड से उसे रब करती है ताकि उसे दर्द कम हो। आर यू फीलिंग बेटर, मिनी सेड। अब मिनी बोलती है, क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? यस आई एम फीलिंग फाइन, सेड बिली। बिली कहता है, हाँ मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आई विल नेवर प्लक फ्लावर्स अगेन, अब मैं कभी भी फ्लावर्स प्लक नहीं करूँगा फिर से। नाउ दैट आई नो दे आर लिविंग थिंग्स, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। ही लुक्स एट द फ्लावर्स एंड स्माइल, और वो बिली जो रहता है वो किसको देखता है? फ्लावर को देखता है और स्माइल करता है। ओके सो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप भी बिली की तरह बनेंगे? आप भी फ्लावर्स को प्लक तो नहीं करेंगे अब? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग थिंग होते हैं, वो भी ईट करते हैं, ब्रेथ करते हैं, ड्रिंक वाटर करते हैं, ग्रो टॉल होते हैं हमारी तरह, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 9 है वो किसने लिखा है बच्चों? अर्चना शर्मा ने। ओके अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर 9 में हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे हैं। यस अब हम उन न्यू वर्ड्स के मीनिंग और उनका प्रोनंसिएशन देखते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स आर, फर्स्ट इज नॉटी, नॉटी, नटखट, प्लक, प्लक तोड़ना, येल्ड, येल्ड मतलब चिल्लाकर कह गया, कहा गया, सडनली, सडनली अचानक ही, पिंचेस, पिंचेस मतलब पिंच, चुटकी, स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग खुजलाना। स्टूडेंट्स, ये जो न्यू वर्ड्स है ये आपको लर्न भी करने हैं, इनके मीनिंग्स। ओके नाउ योर चैप्टर नंबर 9 इज ओवर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी, सो गिव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।